Hello students, today we will see equilibrium of a particle. Okay, so there is a simple condition for a equilibrium of particle, and that is if the net force acting on the particle is zero, then a particle is said to be in a equilibrium. Okay, this one is called translational equilibrium, another one is rotational equilibrium. Both this translational equilibrium and rotational equilibrium we will see in chapter number 7 as well. Okay, here we have only translational equilibrium of a particle. So let's see equilibrium of particle and condition for that. So here we can say a particle is said to be in a equilibrium, okay, if net force acting on the particle is zero, means particle के ऊपर कोई force नहीं लग रहा है तो वो equilibrium में रहेगा. तो हमने first law of motion में क्या पढ़ा था बच्चों, कि अगर कोई पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, देन इट कंटिन्यूअसली रिमेन्स एट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यू कैन से स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. सो ये वी कैन से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन इक्विलिब्रियम द पार्टिकल इज आइदर एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन. ओके, क्योंकि अगर पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मतलब कंटिन्यूअसली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता ही रहेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन इक्विलिब्रियम the particle is either at rest or in a uniform motion. मतलब equilibrium में net force zero है, या मतलब या तो particle rest पे होगा या तो uniform motion में होगा, यानी कि velocity क्या होगी, constant होगी. ठीक है, so here we can say if टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल देन वॉट हैपेंस. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक पार्टिकल कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला लेट इट बी पी, इसके ऊपर सपोज दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एफ वन है, ठीक है, ये डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा एफ टू है, वो ऐसे लग रहा है. तो ये दो पार्टिकल, ये दो फोर्सेस के अंडर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब ये दोनों फोर्सेस का नेट जो सम है वो क्या होगा, जीरो होगा. यानी कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए, तभी ये दोनों का नेट समेशन क्या होगा, जीरो होगा. नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा. सो ये आई कैन से अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस एफ वन एंड एफ टू, अंडर द एक्शन ऑफ two forces F1 and F2, particle remains in equilibrium if summation of these two forces, यानी कि net force जो होगा वो क्या होगा, zero होगा. ठीक है, और in the other word you can say और F1 must be equal and opposite to F2. ठीक है, तो अगर ये मार्कर है, ठीक है, इसके ऊपर दोनों तरफ से आप खींच रहे हो, ठीक है, प्रेस कर रहे हो या पुश अप्लाई कर रहे हो या पुल एग्जर्ट कर रहे हो, अगर आप इक्वल पुश अप्लाई कर रहे हो दोनों तरफ से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा. मतलब ये अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा. ठीक है, so this one is the condition for particle remains in equilibrium under the action of
two forces. Now let's see for three forces. Okay, so here I can say under the action of three forces, let it be F1, F2 and F3. Okay, particle remains in equilibrium, remains in a equilibrium if net force means summation of this three forces is equal to what? Zero. Or you can say F1 plus F2, ये F3 को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस F3. मीन्स वी कैन से इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल एंड अपोजिट टू व्हाट? थर्ड फोर्स. और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट? अपोजिट डायरेक्शन. सो वी कैन से इफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल एंड अपोजिट टू थर्ड फोर्स, देन ऑल्सो इन दैट केस द पार्टिकल इज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ दिस थ्री फोर्सेस. नाउ लेट्स understand this case with the help of figure. Suppose we have two forces, F1 must in this direction, F2 let it be in this direction. Okay, so if I'm taking a resultant with the help of parallelogram, okay, then ye jo hoga aapka diagonal parallelogram ka, ye kya hoga aapka? F1 plus F2. ठीक है, तो अंडर द एक्शन ऑफ दिस थ्री फोर्सेस पार्टिकल मस्ट रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस दिस टू फोर्सेस F1 एंड F2 मींस दिस वन इज इक्वल एंड अपोजिट टू व्हाट? द थर्ड फोर्स F3. मतलब F3 ये डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है P, उसके ऊपर तीन फोर्सेस ऐसे लग रहे होंगे कि F1, ये F2 और ये F3. ठीक है, मतलब F1 एंड F2 का जो रिजल्टेंट है वो F3 के इक्वल एंड अपोजिट होगा, और ये इक्वल एंड अपोजिट है तो तीनों का समेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. समेशन तीनों का जीरो है, मतलब नेट फोर्स जीरो है, मतलब ये पार्टिकल जो है वो क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में ही रहेगा. ठीक है, अब ये जो हमने फिगर ड्रॉ की उसमें इसी तीन फोर्सेस को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, देखो ये F1 एज इट इज. ठीक है, अब F1 के हेड से हम लोग F2 ड्रॉ करते हैं. ठीक है, जो कि ऐसे था, F2 की डायरेक्शन रिमेन्स जो थी वो एज इट इज है, और F2 के हेड से मैं F3 को ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो ये तीनों वेक्टर्स जो है उसको मैंने कैसे अरेंज किया है? हेड टू टेल अरेंज किया है. ये वाला F3 सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड, तो आप देख सकते हो ये एक क्लोज्ड क्या बना रहा है? ट्रायंगल. दिस वन वी कैन से अ क्लोज्ड पॉलीगन. Here the three forces F1, F2 and F3 are represented by these three sides of triangle. ठीक है, ये क्या था आपका? F1 था, ये आपका F2 है, और ये वाला F3 है. So these three forces are represented by what? Three sides of triangle. You can say closed polygon. Okay. And the vector arrows are in the same sense, which is anti-clockwise over here. You can see that. Vector arrows are in the same sense. Okay, so resultant of these three forces is zero. So here I can say if these three forces, or you can say here these three forces are represented by three sides of triangle. Three sides of triangle. Okay, with vector arrow in a same sense. With vector arrow in a same sense.
in a same sense, which is anticlockwise over here. Okay, here I forget to write one important point, and that is what here the magnitude of resultant of two forces is equal and opposite to that of third. Magnitude is equal, direction is opposite. In that case also we can say the resultant of three forces becomes zero and the particle remains in equilibrium. So in a bracket I can say the resultant of two forces is equal and opposite to third force. Okay, so here this result is very important and this one is also very important result. Okay, that under the action of three forces the particle remains in equilibrium if that three forces are represented by three sides of a triangle, or you can say represented by the sides of a closed polygon. You can see that this figure is closed one. Okay, so here the vector error also must be in a same sense. Okay, so in that case the particle remains in what? Equilibrium. And this is very important result. It can be generalized to any number of forces. So here I can say this result can be generalized to any number of forces. If there is n forces, okay, then what happens? If there is n forces, F1, F2, up to Fn, okay, if they are represented by n sides of closed n-sided polygon, okay, then also their resultant becomes zero. Okay, अगर आपके पास four forces है, ठीक है, if we have four forces, let it be F1, if they are arranged by the sides of a closed polygon in a same vector sense, okay, over here rather than anticlockwise. In that case also under the action of these four forces particle remains in a equilibrium. If you have five forces, okay, and if it is represented by the sides of a closed polygon, okay, in a same vector sense, then also under the action of this forces the particle remains in equilibrium. So here we can say if n forces F1, F2, up to Fn are represented by the n sides of closed polygon, okay, with a same vector sense. Here you have to add the word with a same vector sense. Okay, then also the resultant becomes zero and particle is said to be in equilibrium and particle is said to be in a equilibrium under the action of these forces, under the action of these forces. Here one very important note is what these three forces is equal to zero. So particle under the action of these three forces remains in equilibrium means what? Here the x component of this summation of x component of three forces must be zero, summation of y component of this three forces is also zero, and summation of z components of this three forces is also zero. Then only the f1 plus f2 plus f3 becomes zero. Ab dekh sakte ho x component ka summation bhi zero hoga, y कंपोनेंट जो है उसका समेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, और जो z कंपोनेंट है उसका समेशन भी क्या होगा,
जीरो होगा, ठीक है। अगर ये तीनों जीरो होते हैं तभी क्या होगा, ये वाला रिजल्ट मिलेगा आपको और पार्टिकल क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो वी हैव वेरी सिंपल कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल एंड दैट इज अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इज जीरो। वॉट एवर नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इफ दैट फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाई द साइड्स ऑफ पॉलीगन, अ क्लोज्ड पॉलीगन, ओके, इन अ सेम वेक्टर सेंस, देन वी कैन से अंडर द एक्शन ऑफ ऑल दिस फोर्सेस पार्टिकल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ओके।